जनाजे को मस करना हो ना, हाथ आराम से रखे। ऐलान किया गया जिसने जनाजे को हाथ लगाना हो आराम से रखे। बड़े जख्मी का जनाजा है, करबला से शाम तक हालत रुकू में। गैरत का सहीफा एक आमला लिखने वाला इमाम, एक जुमला कहूंगा इसके बाद शायद कुछ कहना ही ना पड़े। करबला शाम के बाद मेरे इमाम की एक आदत हो गई थी, जहां बैठते थे ना जमीन पर अपने हाथों से जमीन साफ कर लेते, छोटे छोटे कंकर अपने हाथों से चुन चुन के अलग करते। लोग देखते थे, समझ नहीं पाते थे कि इमाम ये क्या करते हैं। एक दिन एक बंदा आया, उसने कदमों पे हाथ रख के कहा, मौला हम देखते हैं आप जमीन पे जहां बैठते हैं हाथों से हथेलियों से जमीन साफ करते हैं, छोटे छोटे पत्थर चुन के अलग करते, मौला ये आप क्या करते हैं। सुनोगे जदारो चलो ने आ, मेरे इमाम ने अमामा उतार दिया, चेहरे पे मातम करके कहा, तेरा सवाल नहीं खंजर है जो सज्जा आपके जिगर में उतर गया है। सुन सकता है तो सुन, करबला से लुटा हुआ हमारा काफिला चला, सारे रास्ते जालिम के ताजियाने ने मेरी बहन को सोने नहीं दिया। एक जगह काफिला रुका, मेरी बहन ने करीब आके कहा, भैया सज्जाद जब से काफिला चला है ना इस जालिम ने मुझे सोने नहीं दिया। भैया सज्जाद अगर इजाजत दे, वो जो सामने झाड़ी है उसके साए के नीचे आराम कर लूं। सज्जाद फरमाते मैंने कहा, जा सकीना कोई करने देता है तो कर ले। सज्जाद फरमाते मुझसे इजाजत लेके सकीना चली गई, जाके झाड़ी के नीचे साए में लेट गई। सज्जाद फरमाते मैं देख रहा था सकीना के लब हिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी। सज्जाद फरमाते बड़ी मुश्किल से कड़ियां समेट के मैं उठा, आके सकीना के पहलू में बैठा के देखूं सकीना कहती क्या है। सज्जाद फरमाते मैंने देखा सकीना के लब हिल रहे थे, सकीना की निगाहें उस नेजे की नोक पे थी जिस पे मेरे करीब बाबा का सर था, और सकीना रो रो के कह रही थी, या बता इन्नी अतज़य्यनु बिर्रमा, बाबा तेरी बेटी को जमीन पे पत्थर चुभते हैं, बाबा का हाथ तेरा मखमली सीधा। या ज़हरा बैठ के भाई, बैठ के बैठ जाए भाई, बैठ जाए, जब तक शहादत के जुमले नहीं कहूंगा ताबूत बाहर नहीं आएगा। सारे रास्ते जालिम सज्जाद की पुष्ट पर जुल्म की कहानी तहरीर करता रहा। एक मौका ऐसा आया है कि जब बाब दिवस खुला है ना, अल्लाह जाने उस वक्त कयामत क्यों नहीं आई। गैरतों के मारे हुए ने देखा, अली की बेटी जिस ऊंट पे सवार थी उस ऊंट के सामने शराबी आके रक्स करने लगा। दिमश की नाचने वाली आ, एक मरतबा सज्जाद ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, काश इससे पहले सज्जाद मर गया होता। सफर भी चलता रहा, सज्जाद की पुश्त का लहू भी चलता रहा। मैं कौन कौन सा दर्द पढ़ू सज्जाद को, हर कोई रो रहा है हराम पूर्णम है, अल्लाह करे ये जुमला में पहुंचा लो रोजादार बर्दाश्त कर रहे। बाजार दिमश में गैरतों का मारा चल रहा था, गले में तो कमर में लंगर पांव में बेड़ियां, सामने 56 बीवियों के गले में एक रस्सी, जो सबसे बड़ा गैरतमंद था उसका इम्तिहान अजीब लिया गया। सज्जाद बाजार दिमश में चल रहे थे कि मोहम्मद बाकिर चलते चलते करीब आए, और करीब आके कहा, बाबा इस जुमले में मातम कर लेना ज़दारो, बाबा जब मैं मदीना में कहता था ना मैं थक गया, बाबा मुझे अपनी पुश्त पे उठा लिया करते थे,
بابا اگر آج میں بازار میں کہوں میں تھک گیا ہوں, سجاد نے پوچھ چکا کہ گا پاکر جہاں جگہ ملتی ہے سوار ہو جاؤ. بازار میں پاکر سجاد کی پشت پہ آئے, چند قدم چل کے غیرتوں کا مارا ہوا رکو اور رکے گا پاکر, جلدی کر نیچے اتر جاؤ. میں سمجھ گیا تو میری پشت پہ کیوں آیا ہے. جب سے تو میری پشت پہ آیا ہے تازی آنا مجھے نہیں لگتا. پاکر تو کب تھا مجھے تازی آنوں سے بات. آخری جملہ کہنے دینا بیٹا, مجھے آخری جملہ کہہ رہا ہوں. پیچھے محمل ہے, درمیان میں ایک قیدی ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے اور اس کی زبان پہ تسبیح جاری, سبحان ربی العلی وبحمدہ. کہتا میں چلتے چلتے قریب آیا, میں نے اس قیدی کو سلام کیا. کہتا قیدی نے سر اٹھا کے کہا اللہ تجھے جزا دے, کربلا سے لے کے اب تک کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا. کہتا میں نے کہا قیدی قیدی کوئی حکم ہو تو بتاؤ, اب حکم سمجھ رہا تھا رو جو رونے آئے ہو. کہتا میں نے کہا قیدی کوئی حکم ہو تو بتاؤ. کہتا قیدی نے سر اٹھا کے کہا سہل اگر کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو جا گھر چلا جاؤ, اپنے گھر سے کوئی کپڑا لے آؤ. سال کہتا میں دوڑتا ہوا گھر گیا, گھر سے کپڑا لیا. میں کپڑا لے کے آ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا اللہ جانے یہ قیدی اس کپڑے کا کیا کرے گا. بس اسی جملے پر رخساروں کا ماتم کر کے امام کے تابوت کا استقبال کر لینا. سال کہتا میں کپڑا لے کے بازار کی طرف آ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا اللہ جانے یہ قیدی اس کپڑے کا کیا کرے گا. کہتا میں کپڑا لے کے قریب آیا, میں نے کہا قیدی میں کپڑا لے آیا ہوں. کہتا قیدی نے سر اٹھا کے کہا سہل اس کپڑے کو چار تہے لگاؤ. کہتا میں نے بازار میں چار تہے لگائے. کہتا قیدی نے گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا سہل اب یہ توغ اٹھا کے. Shut up. 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 Shut